स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिनर्जिक बॉन्डिंग, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो मेटल कार्बोनाइल है ये क्या होता है, तो देखिए इस मेटल कार्बोनाइल में जो मेटल होती है वो ट्रांजिशन मेटल होती है और लिगेंड कार्बोनाइल लिगेंड होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या लिगेंड इसमें होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल। एक बार फिर से देखिए, इसमें कोई भी ट्रांजिशन मेटल होती है और लिगेंड जो होता है हमेशा वो कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल लिगेंड है CO, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल। यानी कि से मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल होती है और लिगेंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड होता है, ठीक। और इन दोनों से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, ठीक डियर। अब मेटल कार्बोनाइल में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं कहूं कि मेटल कार्बोनाइल में डियर इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है और इसमें पाई बॉन्ड भी होता है, तो आप कहोगे कि कैसे होता है ना। तो मेरे आपको अगर छोटी सी बात बोलूं कि देखिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक, तो वो है क्या, चलिए शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये को एक्सियल ओवरलैपिंग है, फिर मैं आपसे कहूं ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है, और अगर मैं आपको इस मेटल और इस लिगेंड के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने 11th में पढ़ा था, ये देखिए आपको पता है, ये देखिए ये पी ऑर्बिटल है, ये भी देखिए पी ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों में को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये लोब इस लोब से क्या करेगी, कंबाइन होगी, ठीक है। देखिए कैसे, इस तरह और ये लोब्स जो हैं छोटी हो जाएंगी लाइक दिस। तो इसके बीच में ये क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई। इसके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई डियर, यही कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो जिसके थ्रू क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अब देखिए हम बात करेंगे साइडवाइज ओवरलैपिंग, इसमें क्या है, एक पी ए है और दूसरा पी इसमें ये है। अब डियर यू नो ये भी पी है, ये भी पी है, इसमें ये लोब इसके साथ ओवरलैप होती है, ये लोब इसके साथ ओवरलैप होती है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए लाइक दिस, ये एक पी है, इसके ऊपर दूसरे पी को इस तरह से ओवरलैप करा दो ऐसे, ये देखें यहाँ पर और ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या बोलेंगे डियर इसको हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या नीचे भी होती है, तो ये है पाई बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। और इसीलिए इसमें आपने देखा होगा फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक ही साइड पर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो नौ तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये था हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। इसमें देखिए पी केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसको हमने पढ़ा था। तो देखिए ये पी पी जब इनके बीच में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें बिल्कुल मिडिल में यानी कि एक ही तरफ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। दूसरा देखिए ये भी पी है, ये भी पी है ना, और अगर इसके बीच में साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, ये साइडवाइज, इसको साइडवाइज बोलते हैं क्योंकि इस लोब से ये लोब, इस लोब से ये लोब, ये देखिए इस तरह से कंबाइन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो डियर ये है साइडवाइज ओवरलैपिंग, और साइडवाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है कि पाई बॉन्ड का क्या होता है डियर, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, ठीक डियर। चलिए अब ये समझ में आपको आ गया तो आप बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डियर, हम जानते हैं कि ये मेटल है, ठीक, वही सेंट्रल मेटल आयन है ये। इसमें हमने इसकी लोब्स बना दी, इस तरफ ने प्लस बनाया, इस तरफ ने माइनस बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये वैकेंट है, देखिए वाइट वाइट जो है वैकेंट है ये, इसको हम लोग बोलेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। और अब हमने क्या किया, ये कार्बोनाइल लिगेंड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, इसमें दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसमें सी में हमने इस तरफ जो लोब बनाई प्लस बनाई, क्योंकि इस तरफ भी प्लस लेते हैं हम तो इस तरफ भी प्लस लेना पड़ता है, ठीक है ना, और इस तरफ क्या लेंगे नेचुरल है कि नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसमें भी देखिए वही हो रही है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि ये लोब इस लोब से मिलेगी, तो देखिए बीच में क्या हो जाएगा, ये देखिए आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, कोएक्सियल। जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा डियर, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो मेटल है उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और यहां पर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देख रहे हो तो लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे देता है, ठीक है। तो दिया किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन ने, तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सी एम बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक। दूसरा देखिए, इस समय हम पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें देखिए मेटल है, इसमें हमने देखो इस तरफ प्लस लिया तो इस तरफ माइनस लिया, ठीक है। अब इस तरफ माइनस तो इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा डियर, माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये देखिए लाइन से इसको ड्रॉ किया, इसका मतलब ये फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है, और ये देखिए वाइट वाइट है चारों तरफ, तो ये क्या है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑक्साइड, यानी कि ये वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि वैकेंट है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर मेटल क्या करता है कि इसको अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, लिगेंड को। देखो ऊपर से देगा ये, यहां से भी देगा ये, इसने भी अपना एक लोन पेयर दे दिया, इधर इधर भी लोन पेयर दे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, कौन सी, साइड वाइज, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और जब ये ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह से होगी, ये देखिए ये प्लस प्लस तो बड़ा सा प्लस, माइनस माइनस तो बड़ा सा माइनस, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें आपने देखा क्या हुआ कि इसमें मेटल ने कार्बन ऑक्साइड के कार्बन को लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसलिए एम सी बॉन्ड, ये M से C की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है, तो इसको बोलेंगे MC बॉन्ड। और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है डियर, पाई बॉन्ड, क्यों, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई ना भाई, क्योंकि इसमें दोनों लोब्स मिल रही है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई, क्योंकि इसमें इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो डियर ये हो गया क्या, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप NCERT को देखोगे तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने क्या किया, न तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ना अलग से उन्होंने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, उन्होंने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया, यानी कि दोनों को एक साथ कर दिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है कि देखो जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं तो मेटल कार्बोनाइल में सिग्मा कैरेक्टर एज वेल एज पाई कैरेक्टर, दोनों तरह के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं,
तो जब वो बोल रहा है कि मेटल कार्बोनाइल में पाई कैरेक्टर के साथ साथ सिग्मा कैरेक्टर भी होता है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ बनाया। ठीक है, तो चलो हम भी दोनों को एक साथ बना के दिखा देते हैं आपको, कैसे देखिए डियर, कैसे ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा, आपको पता है कि कैसे करते हैं। ये देखिए मेटल, और यहां पर आप ले लीजिए प्लस इस तरह से, और यहां पर आपने ले लिया माइनस। क्लियर, ये तो हो गया मेटल का एक, कौन सा वाला, ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला ले लिया मैंने। ठीक, अब मैं इसी के साथ इसको भी कंबाइन कर देता हूँ, किसके लिए, पाई के लिए। तो इसको भी देख लीजिए आप कैसे होगा, ये देखिए लाइक दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये कंबाइन कर दिया मैंने, ये देखिए। ठीक है, अब आप का, अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें आप ध्यान से, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, चलो इसको बना के दिखा देते हैं इसके साथ कैसे बनाएंगे। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी बनाना पड़ेगा, तो चलो इसको भी बना लेते हैं अपन। पहले लिखते हैं सी, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सी। ठीक, एक तो ये वाला हो जाएगा इस तरह से, एक ये हो जाएगा, ये हो गया बीच में ये बॉन्डिंग, और फिर तीन अपन इस तरह भी बना देते हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक आइडिया लग रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है, तो पहले तो मैंने आपको माइनस प्लस करके समझा दिया था, अब इसका भी देखें यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, ये माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा डियर ये प्लस। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसका भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, और बीच में तो प्लस था ही, और इस तरफ यहाँ पर ये माइनस और प्लस और ये माइनस, ऐसे। ठीक है, ये कोई जरूर नहीं कि आप इसको करें, ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जैसे पहले स्ट्रक्चर बनाए थे। ये देखिए जरा ध्यान से, ये मेटल के लिए और लिगेंड के लिए, फिर से देखिए मेटल के लिए लिगेंड के लिए, बस उनको कुछ नहीं किया मैंने, पहले ये वाला स्ट्रक्चर लिया और इसी में क्या कर दिया मैंने, इसको कंबाइन कर दिया। तो देखिए अब होगा क्या, पहले देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है, आपको पता है क्या होता है कि ये लिगेंड अपना एक लोन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को। तो यहां पर आप एक काम करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो ऐसे, ये देखिए ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा। ठीक, अब आपको पता है कि मेटल है, और मेटल क्या करती है कि इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो ये इसको अपना लोन पेयर देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इसने भी अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पाई एंड पाई। ठीक डियर, तो रियल स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है आपको, कि यहाँ पर पहले लिगेंड ने एक लोन पेयर मेटल को दिया, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल खुद अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में देता है, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या डियर बना, पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इसमें। तो याद रखिए, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ये पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, यानी दोनों जो है एक गोल के लिए काम करते हैं, दोनों वर्क जो करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो एक गोल के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसी को डियर हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं डियर, ये देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यही है डियर सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो आपने देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, देखो सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, जब पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मेटल कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्डिंग है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।